पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने की बड़ी कार्यवाही। विगत दिवस जिले के जवा थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुए मारपीट की घटना के बाद रीवा एसपी नवनीत भसीन ने की कार्यवाही। लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी जवा कार्यवाहक निरीक्षक आर के गायकवाड़ को निलंबित किया। आपको बता दें कि इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि रीवा जिले के जवा थाना अंतर्गत सितलाहा गांव में रविवार की शाम पेड़ की सूखी लकड़ी की टहनी काटने के विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले थे। चार युवकों ने मिलकर दो युवकों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे, जिस किसी ने विवाद को शांत कराने की जहमत नहीं उठाई। ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए तीन थानों की पुलिस आरोपियों को पहचान करने के लिए लगाई, जिसके बाद पुलिस जल्दी ही आरोपियों के गिरेबान तक पहुंच गई। एसपी नवनीत भसीन ने मामले को गंभीरता से लिया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए टीम गठित कर गांव में कैंप लगाया है। अभी तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले में जवा थाना प्रभारी की लापरवाही मानते हुए कार्यवाहक निरीक्षक आर के गायकवाड़ को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है। मारपीट की इस घटना की शिकायत थाने में की गई थी, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा मामले की गंभीरता से न लेने के कारण समय रहते कार्यवाही नहीं की, जिससे विवाद बढ़ने की संभावना हो गई थी, जिसके चलते थाना प्रभारी की लापरवाही को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। आइए सुनते हैं इस संबंध में शिव कुमार वर्मा एडिशनल एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, ये थाना प्रभारी जवा को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित करके लाइन अटैच किया गया है। वहाँ पर एक विवाद हुआ था दो पक्षों के बीच में, एक पेड़ की डाली काटने पर से विवाद हुआ, विवाद पर से मारपीट हुई, मारपीट के बाद मामला थाने गया। तो थाना प्रभारी द्वारा उसको गंभीरता से नहीं लिया गया, एक दूसरा सही धाराओं में कार्रवाई नहीं की गई और समय रहते कार्रवाई नहीं की, इस कारण भी उसकी लापरवाही के कारण से विवाद बढ़ने की संभावना थी, इस कारण से उनको नियमित करके लाइन अटैच कर दिया गया है और उनकी जाँच की जा रही है। प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने जो फरियादी थे, फरियादियों के द्वारा तीन आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की गई थी, मामले की विवेचना की जा रही है। अगर कोई ऐसा और होगा, तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए जो नामजद थे, इसके अलावा अभी और कोई तथ्य आएगा तो साक्ष्य अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।